दिया x माइनस 4 अपॉन 2 रूट x, f डैश 4 इज 1 बाई 4 प्रूव करना है। तो एफ एक्स दिया है क्या आपका x माइनस 4 अपॉन 2 रूट x, तो एफ डैश x का अर्थ होता है ddx ऑफ एफ एक्स, ddx ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू रख दीजिए x माइनस 4 अपॉन 2 रूट x, दो कांस्टेंट है 1/2 बाहर हो जाएगा, अब अंशहर लगा लीजिए 1/2 डिनोमिनेटर ddx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर ddx ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर। तो 1/2 रूट एक्स, एक्स रीड 4 का 1 आ जाएगा, रीड एक्स रीड 4, रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स, रूट एक्स का वर्ग एक्स। अब 2 रूट एक्स एलसीएम ले लेंगे तो 2 एक्स रूट एक्स एलसीएम हो जाएगा, 2 रूट एक्स नीचे आएगा, 2 एक्स रीड एक्स धन 4 ऊपर आ गया, एक्स धन 4 बटे 4 एक्स रूट एक्स। अब आपको एफ डैश 4 चाहिए थी, एफ डैश 4 4 प्लस 4 4 इंटू 4 इंटू रूट 4, ऊपर 8 हो गया नीचे 16 रूट 4 मतलब 2 8 दूनी 16 1 बटे 4, एफ डैश 4 का मान आ गया 1 बटे 4। सेकेंड क्वेश्चन है प्रूव दैट डी डी एक्स रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स प्लस 2 ए बी 2 रूट एक्स इंटू 1 अपॉन रूट एक्स। यहाँ देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, अलग अलग करते हैं डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ 2, एक्स का 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 2 का 0, आपका आ गया 1 1 बटे एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर। डी डी एक्स ऑफ 5 माइनस 4 cos x 1 माइनस 2 tan x प्रूव करना, 4 sin x 1 माइनस 2 tan x माइनस 2 sec स्क्वायर x 5 माइनस 4 cos x। देखिए प्रोडक्ट रूल लगेगा डी डी एक्स ऑफ एफ 1 एक्स इंटू एफ 2 एक्स होता है एफ 1 एक्स डी डी एक्स ऑफ एफ टू एक्स प्लस एफ टू एक्स डी डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स। देखिए 5 माइनस 4 कॉस एक्स, 1 का 0 होगा और 2 टेन एक्स का 2 सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस 2 टेन एक्स, 5 का 0 होगा cos का माइनस साइन एक्स तो माइनस में प्लस हो जाएगा 4 साइन एक्स। अब वो प्लस वाले को पहले लिख दीजिए 4 साइन एक्स 1 माइनस 2 टेन एक्स या माइनस 2 sec स्क्वायर एक्स 5 माइनस 4 cos, इसको पहले लिख दीजिए इसको बाद में, प्रोडक्ट रूल लगाया f1 x इंटू f2 x। नंबर चौथा देखिए if y is equal to x cube in bracket x square minus 1 sin x prove that ddx of y x square in bracket 3 x square minus 1 sin x plus 2 x square sin x plus x x square minus 1 cos x। यहां देखिए तीन फलों का गुणनफल है और तीन फलों के गुणनफल का भी सूत्र आपने पढ़ चुके हो, वैसे आप दो को एक मान के भी कर सकते हो लेकिन आप तीन फलों का गुणनफल पढ़ चुके हो। डी डी एक्स ऑफ वाई क्या होता है, पहला फलन गुणे दूसरा फलन डी डी एक्स ऑफ तीसरा फलन।
प्लस पहला फलन गुणे तीसरा फलन डी डी एक्स ऑफ दूसरा प्लस दूसरा फलन गुणे तीसरा फलन डी डी एक्स ऑफ पहला। सूत्र आपको आता है डी डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स इंटू एफ टू एक्स इंटू एफ थ्री एक्स, एफ वन एक्स इंटू एफ टू एक्स डी डी एक्स ऑफ एफ थ्री एक्स, एफ वन एक्स इंटू एफ थ्री एक्स डी डी एक्स ऑफ एफ टू एक्स और एफ टू एक्स इंटू एफ थ्री एक्स डी डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स। यहाँ देखिए एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस वन साइन एक्स का कॉस एक्स, एक्स क्यूब साइन एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन का टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन साइन एक्स एक्स क्यूब का थ्री एक्स स्क्वायर। अब देखिए कॉमन तीनों में क्या है, तीनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है, देखो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ही कॉमन ले लीजिए तो बचेगा क्या यहाँ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन कॉस एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर तो टू एक्स इंटू एक्स टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, यहाँ थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन साइन एक्स। अब इसी को इधर लिख दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही लिख दीजिए एक्स स्क्वायर थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन साइन एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन कॉस एक्स, आपका प्रूफ हो गया। देखते हैं लोग डी डी एक्स आप टू एक्स की पावर फोर प्लस एक्स अपान थ्री एक्स माइनस फाइव एटीन एक्स की पावर फोर माइनस फोर्टी एक्स क्यूब माइनस फाइव अपान थ्री एक्स माइनस फाइव का होल स्क्वायर। तो डी डी एक्स आप टू एक्स की पावर फोर प्लस एक्स अपान थ्री एक्स माइनस फाइव, यही क्वेश्चन है। तो थ्री एक्स माइनस फाइव डिनोमिनेटर डी डी एक्स आप टू एक्स की पावर फोर प्लस एक्स माइनस टू एक्स की पावर फोर प्लस एक्स डी डी एक्स आप थ्री एक्स माइनस फाइव अपॉन थ्री एक्स माइनस फाइव का होल स्क्वायर। फार्मूला सबको पता ही है, अभी हो जाएगा थ्री एक्स माइनस फाइव चार दुनिया आठ एक्स क्यूब प्लस टू एक्स की पावर फोर प्लस एक्स यहाँ थ्री थ्री एक्स माइनस फाइव का होल स्क्वायर। ब्रेकर तोड़ते हैं आर्थिक चौबीस एक्स की घात चार आठ बच्चे चालीस एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स माइनस फाइव तीन दुनी छः एक्स की पावर फोर माइनस थ्री एक्स, चौबीस में छः गया बेटा अठारह अट्ठारह एक्स की घात चार ऋण चालीस एक्स क्यूब थ्री एक्स की ऋण पाँच बटे थ्री एक्स माइनस फाइव का सिक्स। डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपान साइन एक्स माइनस कॉस एक्स टू अपान साइन टू एक्स माइनस वन। देखिए इसमें हम करेंगे जब सवाल तो इसके रूप में यही लाना रहेगा, ये थोड़ा ध्यान रखना है हमको। तो देखिए पहले हम लोग करते हैं तो उसके बाद देखते हैं कैसे आएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। पहले लगा लेते हो नियम डिनोमिनेटर डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की स्क्वायर। अब देखते हैं बच्चों साइन एक्स ऋण कॉस एक्स, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस हो जाएगा तो बच्चों क्या करो इसमें भी ऋण कॉमन ले लो तो कॉस एक्स ऋण साइन एक्स दो बार हो जाएगा कॉस एक्स ऋण साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल प्लस है तो वर्ग है ही तो चाहे तो गुणा कर सकते हो लेकिन लंबा पड़ेगा ऋण कॉमन ले लोगे
रीड कॉमन लोगे तो कॉस एक्स रीड साइन एक्स, कॉस एक्स रीड साइन एक्स, कॉस एक्स रीड साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। रीड कॉमन ले लेंगे तो कॉस एक्स रीड साइन एक्स, यहाँ भी कॉस एक्स रीड साइन एक्स, और यहाँ तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर है ही। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इसको ये माइनस बी का होल स्क्वायर को तोड़ देते हैं, वो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस टू साइन एक्स कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन एक्स कॉस एक्स। अब आप नीचे वाले को भी तोड़ देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस टू साइन एक्स कॉस एक्स। अब देखिए बच्चों, ये वन माइनस साइन टू एक्स हो गया, देखिए वन माइनस साइन टू एक्स, टू साइन एक्स कॉस एक्स, वन माइनस साइन टू एक्स या वन प्लस साइन टू एक्स, और नीचे वन माइनस साइन टू एक्स। अभी ब्रेकर तोड़ देते हैं, माइनस वन प्लस साइन टू एक्स, माइनस वन माइनस साइन टू एक्स अपॉन वन माइनस साइन टू एक्स, साइन टू एक्स साइन टू एक्स कैंसिल, माइनस टू बटे वन माइनस साइन टू एक्स। अब यहां देखो रीड का नीचे गुणा कर दीजिए तो उलट जाएगा साइन टू एक्स रीड। अच्छा सवाल था ये, बहुत ही बेहतरीन सवाल था, कर लेंगे। यहां देखिए वन माइनस साइन टू एक्स, वन प्लस साइन टू एक्स, ब्रेकेट तोड़ दिए, साइन टू एक्स कैंसिल हो गया, रीड दो बटे वन माइनस साइन टू एक्स, रीड का ऊपर नीचे गुणा कर दिए उलट गया। नंबर सेवन, इफ y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की पावर सी एक्स प्लस डी की वॉल्यूम, डी डी एक्स ऑफ y ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस वन, सी एक्स प्लस डी की वॉल्यूम माइनस वन, इन ब्रैकेट ए एम सी एक्स प्लस डी प्लस सी एम ए एक्स प्लस बी। y की वैल्यू क्या दिया, ए एक्स प्लस बी की पावर, यहाँ सी एक्स प्लस डी की पावर, तो एफ वन एक्स इंटू एफ टू एक्स है बच्चों, तो डी डी एक्स ऑफ y होगा पहला फलन, डी डी एक्स ऑफ दूसरा फलन प्लस दूसरा फलन डी डी एक्स ऑफ पहला फलन, पहला फलन डी डी एक्स ऑफ दूसरा फलन प्लस दूसरा फलन डी डी एक्स ऑफ पहला फलन। देखिए अब इन दोनों का अवकलन आप करना अलग से सीख लीजिए, जैसे डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर अगर ये है तो इसको टी मानेंगे, कंपोजिट फंक्शन का ये टी मानेंगे, टी की पावर एन का होगा एन, टी की पावर एन माइनस वन, और इसका पुनः करेंगे डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी का एन ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन। ध्यान देना जब होल पावर कभी भी रहेगी ए एक्स प्लस बी की पावर एन, तो इस पूरे अंदर को टी मानेंगे, टी की पावर एन एन टी की पावर एन माइनस वन, और इसका पुनः करेंगे ए, और इसी प्रकार डी डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी की पावर एम है, इसमें भी इसको टी मानेंगे, तो एम टी की पावर एम माइनस वन, और उसके बाद डी डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी का सी, तो एम सी यानी कि सी इससे निकलेगा, सी एम सी एक्स प्लस डी की पावर एम माइनस वन। तो यही चीज यहां भी ध्यान रखिएगा कि मैंने अलग समझा दिया, उसमें मैं फिर समझा दूंगा, सी एक्स प्लस डी की पावर एम है तो जाहिर सी बात इसको टी मानेंगे, टी की पावर एम बनेगा, कंपोजिट फंक्शन होगा, क्योंकि आप एक्स की पावर एन का जानते हैं, एक्स की पावर एन माइनस वन, एक्स की जगह फलन आ गया है सी एक्स प्लस डी, इसको टी मानेंगे, टी की पावर एम का एम टी की पावर एम माइनस वन, और डी डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी को टी मानेंगे, टी की पावर एम का एम टी की पावर एम माइनस वन, उसके बाद डी डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी प्लस सी एक्स प्लस डी की पावर एम, इसमें इसको टी मानेंगे, टी की पावर एम का एन ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब बेटा सी एक्स प्लस डी से सी निकलेगा इसका, तो सी एम बाहर लिख दे रहे हैं, और ए एक्स प्लस बी की पावर एम एन, और सी एक्स प्लस डी की पावर एम माइनस, ये इससे सी निकलेगा बेटा, यहाँ ए एक्स प्लस बी से निकलेगा प्लस एन ए सी एक्स प्लस डी की पावर एम और ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन।
अब बच्चों यहां देखिए ax प्लस बी की पावर n है, यहां ax प्लस बी की पावर n माइनस 1 है, तो ax प्लस बी की पावर n माइनस 1 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि ax प्लस बी को देखिए अगर ध्यान दो थोड़ा दिमाग लगाओ, इसको लिख सकते हैं ax प्लस बी की पावर n माइनस 1 इंटू ax प्लस बी, लिख ही सकते हैं, एक पावर कम कर दिए x की पावर 4 को x क्यूब इंटू x तो लिख ही सकते हैं, और इधर cx प्लस d की पावर n माइनस 1 प्लस, यानी सेम यहां cx प्लस d की पावर m को cx प्लस d की पावर m माइनस 1 इंटू cx प्लस d और ax प्लस b की पावर n माइनस 1, एक पावर कम कर दिया, ऐसा क्योंकि इससे कॉमन ले ले, देखिए दोनों में ax प्लस b की पावर n माइनस 1 कॉमन है और cx प्लस d की पावर m माइनस 1 कॉमन है, तो इसको बाहर ले लेते हैं, ax प्लस b की पावर n माइनस 1 और cx प्लस d की पावर m माइनस 1 कॉमन ले लिए, अब इसके बाद बचा क्या, देखिए ax प्लस b की पावर n माइनस 1 कॉमन लिए और cx प्लस d की पावर m माइनस 1, तो cm ax प्लस b बचा, cm ax प्लस b, और इसके बाद बचा यानी cx प्लस d, ध्यान दीजिए क्या किया मैंने, मैंने ये किया केवल ax प्लस b की पावर n को ax प्लस b की पावर n माइनस 1 इंटू ax प्लस b, जैसे x की पावर n को x की पावर n माइनस 1 इंटू x लिख सकते हैं, ऐसा इसलिए लिख दिया, कॉमन लेना थोड़ा आपको सही रहेगा, अब आपका जवाब आ गया ax प्लस b की पावर n माइनस 1 cx प्लस d की पावर m माइनस 1, तो यहाँ na को पहले लिख दीजिए कोई दिक्कत थोड़ी, an cx प्लस d प्लस cm ax प्लस b, यही आपको पूछा गया, 3x प्लस 5 2x प्लस 7 की पावर माइनस 1, मान लीजिए y के बराबर, इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x, लेकिन दो विधियों से, एक बार प्रोडक्ट रूल से लगाना है, एक बार कोसेंट रूल से लगाना है, एक बार गुणनफल से और एक बार भागफल से, तो गुणनफल और भागफल से लगाना है, दोनों बार डेरिवेटिव सेम दिखाना है, देखिए पावर रीड एक है तो ये एफ वन एक्स इंटू एफ टू एक्स मानकर भी हम लोग कर सकते हैं प्रोडक्ट रूल, और इसको नीचे लेते आ जा रहे हैं तो 3x प्लस 5 वन 2x प्लस 7 करके हम भागफल से भी लगा सकते हैं, लेकिन दोनों विधियों से उत्तर सेम दिखाना है, तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट रूल से करते हैं, प्रोडक्ट रूल तो डी डी एक्स ऑफ वाई क्या होगा, पहला फलन डी डी एक्स ऑफ दूसरा फलन, पहला फलन डी डी एक्स ऑफ दूसरा फलन प्लस दूसरा फलन डी डी एक्स ऑफ पहला फलन, अब यहां देखिए 3x प्लस 5, यहां देखिए x की पावर रीड एक है बेटा, तो क्या होता है इसको t मानेंगे, t की पावर रीड एक का रीड एक, रीड एक बाहर आएगा, रीड 2x प्लस 7 की पावर रीड एक इंटू डी डी एक्स ऑफ 2x प्लस 7, क्या होता है x की पावर रीड एक हो रीड एक x की पावर रीड एक, और यहां 2x प्लस 7 की पावर रीड एक, और इसका 3 हो जाएगा 3x प्लस 5, इसको समझिए, इसको t मानेंगे t की पावर रीड एक का n x की पावर n माइनस 1, अब यहां देखिए 2x प्लस 7 का 2 हो जाएगा, 2 बाहर ले देते हैं, 3x प्लस 5 रीड भी बाहर लिख देते हैं, 2x प्लस 7 की पावर रीड 2, ठीक, और यहां 2x प्लस 7 की पावर 1 इंटू 3, 3 को है, अब इसको नीचे लेते जाइए, माइनस 2 3x प्लस 5 अपॉन 2x प्लस 7 की घात 2 और प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 7, एलसीएम ले लीजिए 2x प्लस 7 के स्क्वायर, तो यही रहेगा माइनस 2 3x प्लस 5, इधर गुणा हो जाएगा 3 इंटू 2x प्लस 7, क्योंकि पावर रेट 2 है तो नीचे लेते गए, अब एलसीएम ले लिए ब्रेकर तोड़ देते हैं, माइनस 2 3 जा 6x माइनस 10 प्लस 6x प्लस 21, बहुत पहला फलन डी डी एक्स ऑफ दूसरा फलन प्लस दूसरा फलन डी डी एक्स ऑफ पहला फलन, तो 2x प्लस 7 की पावर रीड एक का रीड 2x प्लस 7 की पावर रीड एक रीड एक रीड 2x की प्लस 7 की पावर रीड 2 हो जाएगा, रीड बाहर कर दिए, और यहाँ 3 2x प्लस 7 रीड 2 है, नीचे वर्ग हो गया, यहाँ
एलसीएम ले लिए तो ये तो यही रहेगा, यहाँ इसका गुणा हो जाएगा 2x+7, ब्रेकर तोड़ दिए, -6x+6 से कैंसिल, 21 में 10 गया 11/2x+7 का होल स्क्वायर। टी की पावर रीड एक का रीड एक, टी की पावर रीड एक रीड एक, और डी डी एक्स आफ 2x+7, तो रीड 2x+7 की पावर रीड 2 और इसका इंटू 2, तो वही लिख दिए -2 2x+7 की पावर -2 नीचे भेज दिए। मतलब भागफल नियम लगाते हैं, इसको लिख देते y बराबर 3x+5 अपान 2x+7, 3x+5 अपान 2x+7, तो f1x अपान f2x होगा, तो f2x ddx आप f1x माइनस f1x ddx आप f2x अपान f2x का होल स्क्वायर, यही है f2x ddx आप f1x माइनस f1x ddx आप f2x, ये हो जाएगा 2x+7 इंटू 3, 3x+5 इंटू 2 अपान 2x+7 का होल स्क्वायर, 6x+21 माइनस 6x-10 21 में 10 गया 11 आएगा, देखिए वही चीज आई, दोनों नियमों से सेम आया, चाहे गुणनफल से करिए चाहे भागफल से। साइन देखिए बच्चों, इफ y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x अपॉन 1 प्लस साइन 2x डी डी एक्स ऑफ y प्लस sec स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस इक्वल टू 0, देखिए बहुत दिमाग लगाना है इसमें, देखिए ध्यान दीजिए, sec स्क्वायर अगर है तो tan के रूप में होता है, तभी tan x का sec स्क्वायर x होता है, और tan पाई बाई 4 माइनस x के रूप में बनाना पड़ेगा तभी ये आएगा। तो देखिए डायरेक्ट आपको ऐसे नहीं कर लेना है, थोड़ा दिमाग लगाना है कि लाना क्या है इनको, हर बच्चे ध्यान दीजिएगा ये है, अब इसको देखिए आपको मैंने कई बार इसको tan बदलना सिखाया है, कैसे 1 को लिख देंगे यहाँ cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x माइनस 2 साइन x cos x, और इधर देखिए 1 प्लस 1 को क्या लिख देंगे cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन x cos x, अब ये बन गया, देखिए 1 को मैंने ये लिखा और साइन 2x को ये कई बार यूज कर चुका हूं, तो y बराबर हो गया अंडर रूट cos x माइनस साइन x का स्क्वायर और नीचे cos x प्लस साइन x का स्क्वायर, वर्गमूल हटा तो मिला cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x। अब क्या करेंगे हम, cos x का आंसर में डिवाइड कर देंगे तो बन जाएगा 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स, cos x में cos x के डिवाइड करेंगे 1 माइनस टेन एक्स बटे 1 प्लस टेन एक्स, और यही सूत्र होता है tan पाई बाई 4 माइनस x का, जानते होंगे आप लोग क्योंकि tan a माइनस b का जो सूत्र होता है होता है tan a माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, तो टेन पाई बाई 4 का मान होता है 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स, तो टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स हुआ। अब अवकलन करेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई, अब यहां देखिए इसको टी मानेंगे, टी मानेंगे टेन टी का होगा सेक स्क्वायर टी, सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स, और डी डी एक्स ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स, क्योंकि टी माने हो फिर से करोगे पाई बाई 4 माइनस एक्स को टी माने टेन टी का सेक स्क्वायर टी और टी का पुनः पाई बाई 4 माइनस एक्स दैट इज माइनस 1, तो डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स, अभी माइनस इधर आएगा प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बेहतर इसको करिएगा।
क्योंकि आप देखिए यहाँ sec स्क्वायर पाई बाई फोर माइनस एक्स था, तो जाहिर सी बात है टेन के रूप में बनाना पड़ेगा, और ये टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स का सूत्र होता है इसके जगह, और टेन टी का sec स्क्वायर टी इसका गुणा करेंगे ऋण एक, तो ऋण इधर आएगा धन हो जाए। ये सवाल करना है, कई विधियों से इसको किया जा सकता है, लॉग लेकर भी किया जा सकता है, लेकिन मैं अभी आप जो ज्ञान है आपको उसी के अनुसार कराऊंगा। अंडर रूट वन प्लस एक्स बटे वन माइनस अंडर रूट अलग अलग, आप इसको टी मान के भी कर सकते हैं और रूट टी के जैसे, लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए हर डी डी एक्स ऑफ अंश, हर गुड़े डी डी एक्स ऑफ अंश माइनस अंश डी डी एक्स ऑफ हर बटे हर का स्क्वायर। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अंडर रूट वन माइनस एक्स, यहां रूट टी बनेगा, अंदर वाले को टी मानेंगे रूट रहेगा, तो रूट टी का सब लोग जानते हो वन अपॉन टू रूट टी, और इसका पुनः करेंगे एक आएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी, इसका एक होगा, वन का जीरो एक्स का एक, यहां अंडर रूट वन प्लस एक्स, इसका होगा वन अपॉन टू रूट टी, और डी डी एक्स आप इसका ऋण एक होगा, और यहां वन माइनस एक्स, अब यहां मिला एक तो वन मिला तो अंडर रूट वन माइनस एक्स अपॉन टू रूट वन प्लस एक्स, यहां मिला क्या ऋण एक, तो ऋण ऋण धन हो जाएगा, अंडर रूट वन प्लस एक्स बटे टू रूट वन माइनस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स। अब एलसीएम ले लेंगे बच्चों, एलसीएम ये ध्यान रखना है दोनों चीजें एलसीएम लेंगे टू सहित, यानी कि एलसीएम लेंगे टू अंडर रूट वन प्लस एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स, और वन माइनस एक्स पहले से ही है, ये नीचे जाएगा एलसीएम। अब इधर इसका गुणा होगा बच्चों, वास्तव में टू लिए होते इसलिए केवल अंडर रूट माइनस एक्स का गुणा होगा, तो वन माइनस एक्स इधर हो जाएगा, और इधर इसका गुणा होगा प्लस वन प्लस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो टू अपॉन टू इसमें गुणा हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी, तो अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स, दो से दो कैंसिल, आपका आ गया वन अपॉन वन माइनस एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स। बहुत ही अच्छा सवाल है, देखिए हर डी डी एक्स ऑफ अंश माइनस अंश डी डी एक्स ऑफ हर बटे हर का वर्ग, अंडर वन प्लस एक्स करेंगे वन अपॉन टू रूट वन प्लस एक्स, इसका पुनः करेंगे, और यहाँ वन अपॉन टू रूट वन माइनस का ऋण एक, ऋण ऋण धन हो गया। अभी एलसीएम ले लिए तो अंडर वन माइनस एक्स की इधर गुणा वन माइनस एक्स, इधर अंडर वन वन प्लस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, दो बटे दो, और यहाँ देखिए अंडर रूट ए प्लस बी ए गुणा हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ए हो गया, दो से दो कैंसिल है आपका जवाब। बहुत ही अच्छा सवाल है, एक तरीके से कहीं और बता दें, रूट रहा था लाग ले लेते, लाग लेने से क्या होगा थोड़ा इजी हो जाएगा, देखिए कैसे, लाग वाई लॉग वन प्लस एक्स बटे वन माइनस एक्स की पावर एक बटे दो, तो पावर पहले आ जाएगा एल लॉग एम हो जाएगा, लॉग वाई वन बाई टू लॉग वन प्लस एक्स बटे वन माइनस एक्स, लॉग एम अपान एन, लॉग वाई वन बाई टू लॉग वन प्लस एक्स माइनस लॉग वन माइनस, लॉग एम अपॉन एम, पहले पावर पहले आया फिर इस तरह, अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग वाई का वन अपॉन वाई डी डी एक्स ऑफ वाई, यहां देखिए लॉग टी का हो जाएगा वन अपॉन टी, और डी डी एक्स ऑफ वन प्लस एक्स दैट इज वन, यहां हो जाएगा वन अपॉन वन माइनस एक्स डी डी एक्स ऑफ वन माइनस एक्स, अब वन अपॉन वाई डी डी एक्स ऑफ वाई वन अपॉन टू, यहां वन का जीरो एक्स का एक, तो वन अपॉन वन प्लस एक्स, यहां माइनस एक तो माइनस में प्लस हो जाएगा वन अपॉन वन माइनस एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा वाई बाई टू, यहां एलसीएम ले लीजिए वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स, तो इधर आ जाएगा वन माइनस एक्स प्लस वन प्लस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, वाई की वैल्यू रखी अंडर रूट वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स बटे वन माइनस एक्स, और एक बटे दो बाहर, और यहां दो बटे
वन, देखिए ध्यान दीजिएगा, हम वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स है, दो से दो कैंसिल। अब देखिए दिमाग लगाइए, अगर वन प्लस एक्स को हम रूट वन प्लस एक्स इंटू रूट वन प्लस एक्स लिखेंगे तो कट जाएगा, या एक प्रकार से वन प्लस एक्स को मेरी बात दीजिए अंदर ले आ देंगे इधर, तो अंडर रूट वन प्लस एक्स अपान वन माइनस एक्स, और ये रूट में ले आएंगे किसका वर्ग हो जाएगा, और ये वन अपान वन माइनस एक्स अलग से लेगा, वन प्लस एक्स को रूट में लाएंगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा, और वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स का हो जाएगा, एंड देखिए वन अपान वन माइनस एक्स तो पहले से ही है, और यहाँ वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वही चीज आ गई। बहुत आसान है, लॉग लेकर लॉग वाई, लॉग वाई लेंगे लॉग, ये देखिए पावर पहले चलाएगी लॉग एम अपान एन लॉग एम माइनस लॉग एन, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वन अपान वाई डी डी एक्स ऑफ वाई, वन बाई टू वन अपान वन प्लस एक्स, वन प्लस एक्स का पुनः वन, और यहाँ ऋण एक ऋण धन हो गया, फिर एलसीएम लेंगे इधर गुड़ा एक्स एक्स कैंसिल हो गया, इस तरीके से आप लगा लेंगे। किसी को कोई दिक्कत होगी किसी क्वेश्चन में हमको जरूर भेजिएगा।